आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार से। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद पीएल पुनिया ने हनुमान जी को लेकर चल रही बयानबाजी पर बीजेपी नेताओं को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सीएम योगी और सरकार के मंत्रियों द्वारा दिए गए बयानों को उनकी बौखलाहट बताते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में अपने खिलाफ माहौल देखकर बीजेपी के नेता बौखला गए हैं और इसी बौखलाहट का ही नतीजा है कि उन्होंने सारे संसार के संकट हरने वाले संकट मोचन हनुमान जी को संकट में डाल दिया है। वहीं लोकसभा चुनाव में तीसरे मोर्चे में शामिल होने को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में बीजेपी की विचारधारा को हराने के लिए समान विचारधारा वाले दलों से गठबंधन का प्रस्ताव पास किया गया है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में एक बार फिर बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने जाने को लेकर राजनीति तेज हो गई है। प्रदेश में चल रहे विधानसभा सत्र में बुंदेलखंड राज्य को अलग किए जाने को लेकर बीजेपी विधायकों ने ही मुद्दा उठाकर सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। 2014 के हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी के बड़े नेताओं ने वादा किया था कि बुंदेलखंड की हालत सुधारने की जरूरत है, जिसे अलग राज्य बनाकर समाधान करने की बात कही है, लेकिन 4.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। को लेकर के एक बार फिर से राजनीति तेज हो गई है। पृथक बुंदेलखंड राज्य बनाए जाने को लेकर के सदन में बीजेपी विधायकों ने फिर से इस चर्चा की है और कहा है कि सरकार इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे। हालांकि तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती के कैबिनेट मंत्री रहे पूर्व मंत्री बादशाह सिंह ने भी ये दावा किया था कि वो प्रस्ताव पूरी तरीके से केंद्र के पास भेज दिया गया है, क्योंकि मंत्रिमंडल के दौरान वो बुंदेलखंड से ही आते हैं। इस दौरान उन्होंने मायावती से कह करके उस प्रस्ताव को केंद्र में भेज दिया है, लेकिन बीजेपी की सरकार केंद्र में है और अगर वो पृथक बुंदेलखंड राज्य बनाना चाहती है, बुंदेलखंड के लोगों की समस्याएं खत्म करना चाहती है, तो वो केंद्र से उसके प्रस्ताव को पास करे। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी लगातार श्रेय लेने का प्रयास कर रही है। कैमरा पर्सन अंकित तिवारी के साथ संजय सिंह चौहान, न्यूज इंडिया, लखनऊ। सीतापुर में कैबिनेट मंत्री व सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पूरे प्रदेश में 50 लाख मतदाता हैं, इसके बावजूद अरकंचवंशी जाति के लोगों की कोई पहचान नहीं है। उन्होंने समाज को संगठित होने पर बल दिया। राजभर ने कहा कि सीतापुर पर हरदोई से अकवरंशी विदारी से ML MB बनाऊंगा और 2022 में बगैर मेरी मर्जी के किसी की सरकार नहीं बनेगी। भाजपा पर निशाना साधते हुए सरकार राजभर ने कहा कि आप लोग नेताओं के गुलाम बनकर रह गए हैं और आपको गुलामी से छुटकारा दिलाने के लिए मैं आपके साथ हूं। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद जनपद तहसील ठाकुर द्वारा ख्वाजा नगर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अपने दादा के साथ खेत पर घास लेने गई मासूम बालिका को तेंदुए ने उठा ले गया। किसानों ने घेराबंदी कर बालिका को तेंदुए के जबड़े से छुड़ा तो लिया, लेकिन जब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन के साथ ही वन विभाग के अफसर भी मौके पर पहुंच गए। लाश का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो आपको बता दें, इस वक्त की जो बड़ी खबर हम मान सकते हैं, क्योंकि मुरादाबाद में ख्वाजा नगर में एक बच्ची को तेंदुआ उठाकर ले गया और जहां पर बच्ची का दम घुट गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि उसे छुड़ा लिया गया था, लेकिन जब उसे छुड़ाया गया तो उसकी मौत हो चुकी थी। और किसानों ने घेराबंदी कर बालिका को तेंदुए से जबड़े से छुड़ा तो लिया, लेकिन जब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन के साथ ही वन विभाग के अफसर भी मौके पर पहुंचे। लाश का पंचनामा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता वाजिद अली हमसे जुड़ गए हैं। क्या है पूरा मामला? जी रोशनी जी, मैं आपको बता दूं, ये मुरादाबाद जनपद कोतवाली तहसील ठाकुर द्वारा का मामला है, जिसमें अपने दादा के साथ ये बच्ची चारा लेने के लिए खेत पे गई हुई थी, जिसमें चारा काटते समय इस बच्ची को तेंदुए ने अपना शिकार बनाया और वहाँ के युवकों ने मौजूद इस बच्ची को उसके चंगुल से छुड़ाया। जी जी, इतनी बड़ी लापरवाही है वन विभाग के द्वारा, जो प्रशासन द्वारा, तो उस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि आए दिन तेंदुए की जो खबरें आती है, किस तरीके से लोगों में खौफ है, तो उसके लिए क्या प्रशासन तैयारी कर रही है? जी रोशनी, मैं आपको बता दूं, ये पहली घटना नहीं है। दरअसल ऐसी घटनाएं काफी दिनों से ये घटना घट रही है और काफी तेंदुओं के शिकार यहाँ पे हो चुके हैं, जिसमें प्रशासन अपनी आंखें मूंदे हुए है, कोई भी प्रशासन की सतर्कता नहीं दिखाई दे रही है। जी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरठ के थाना परीक्षित गढ़ पुलिस ने बाहर से आने वाले वाहनों में लूटपाट करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। खुलासे में पुलिस ने वाहन से माल लूटने वाले गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जबकि 4 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से अवैध हथियार तथा भारी मात्रा में लूटा हुआ माल भी बरामद किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है और भारी मात्रा में माल भी जब्त कर लिया है। वाहनों में लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया और पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। हथियारों के साथ में भारी मात्रा में जो माल था वो भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। आपको बता दें, इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो यूपी से है। और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से अवैध हथियार सहित भारी मात्रा में लूटा हुआ माल भी बरामद किया है और यह मामला परीक्षित गढ़ का है। आए दिन यूपी में लूट की जो खबरें हैं वो देखी जाती हैं, लेकिन इस वक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए वाहनों में लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया और पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया और अवैध हथियारों के सहित लूटा हुआ माल भी बरामद कर लिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पंकज गुप्ता से जुड़ गए हैं। क्या है पूरा मामला? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा रोशनी की, ये मेरठ के थाना परिषदगढ़ की लुटेरे थे जो हाईवे पर लिफ्ट लेकर लूट की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने इनसे भारी मात्रा में लूटा हुआ सामान भी बरामद किया है और भी साथ ही पुलिस इस बात में भी जुट गई है कि इन्होंने और जो लूटा हुआ माल था वो कहां कहां पहुंचाया है और कहां कहां खपाया है। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। जी, क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि आए दिन ऐसे जो हादसे वो देखे जाते हैं लूट के, तो उसको लेकर प्रशासन की क्या कुछ तैयारी रहेगी? क्या कहना है प्रशासन का? देखिए, मेरठ पुलिस ने फिलहाल जो है ऑपरेशन क्लीन चला रखा है, जिससे कोई भी बदमाश बच्चे ना जा पाए। उसी कड़ी में तो ये 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है, तो इससे जरूर कुछ ना कुछ अंकुश लगेगा। जो वारदातें हाईवे पर हो रही हैं, उन वारदातों पर जरूर अंकुश लगेगा। फिलहाल जो पुलिस है और भी बदमाशों की तलाश कर रही है। जी जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीतापुर में कोतवाली लहरपुर क्षेत्र के टांटा कला में घर के सामने रास्ते को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। ग्रामीणों का आरोप है कि कपिल के घर के बाहर कांटे का तार गांव के एक व्यक्ति को लगा रहा है, जिसका कपिल ने विरोध किया तो उसे बाहर से लड़कों को बुलाकर लाठी डंडों से चोटिल कर दिया गया। गांव के लोग बचाने पहुंचे तो बाहरी लोगों ने गांव के लोगों को ही पीटना शुरू कर दिया। मारपीट में 3 लोग घायल हैं, जिनका सीएचसी लहरपुर इलाज चल रहा है, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलते ही 100 नंबर और कोतवाल सीओ सदन मौके पर पहुंचे। पीड़ित ने थाने में तहरीर दी है।
तो आपको बता दें कि खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां दो पक्षों में मारपीट हो गई और बचाने आए ग्रामीणों ने भी दबंगों से मारपीट की। ग्रामीणों की संख्या बढ़ते देखकर कार छोड़कर भाग गए दबंग और उन्हें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है और कुछ लोगों को जो चोट आई है उन्हें भर्ती कराया गया है। रास्ते को लेकर दो पक्षों में लड़ाई हो गई थी, जहां पर पुलिस को भी सूचना दी गई और मौके पर पुलिस वहां पे पहुंची है और तहरीर दी गई है पीड़ित पक्ष की तरफ से। जब दबंगों ने ग्रामीणों की संख्या देखी तो वो फौरन फरार हो गए और सीतापुर में कोतवाली लहरपुर के टांटा का ये मामला बताया जा रहा है, जहां रास्ते को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई थी और बचाने आए ग्रामीणों से भी दबंगों ने मारपीट की, लेकिन ग्रामीणों की संख्या बढ़ते देखकर कार छोड़कर दबंग भाग गया और जिसमें कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं और उनको इलाज के लिए भेजा गया है और एक व्यक्ति की जो हालत है वो गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें दो पक्षों में मारपीट हुई थी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्राम से जुड़ गए हैं। क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल बता दें रोशनी जी कि ये मामला सीतापुर के लहरपुर कोतवाली का है जी, जहाँ पे दो पक्षों में रास्ते को लेकर मारपीट हुई जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जिनको सीएससी हॉस्पिटल ले जाया गया है, बाकी एक ही हालत नाजुक है जिसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। बाकी पुलिस का मौके पर पुलिस पहुंच गई थी और प्रशासन द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी दबंगों के खिलाफ, क्योंकि जो मारपीट हुई है उनके लिए क्या कुछ कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, बताना है कि आरोपी थे जो मौके से फरार हो गए थे, उनकी तलाश की जा रही है जी, उनके खिलाफ आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है जी। जी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आजमगढ़ जिले के मार्टिनगंज ब्लॉक प्रमुख मनोज सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मनोज सिंह ने आरोप लगाया कि माफिया उनको कोई कार्य नहीं करने दे रहे थे। आपको बता दें कि मार्टिनगंज ब्लॉक प्रमुख मनोज सिंह के खिलाफ भाजपा नेता सौरभ सिंह ने अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस के बाद 28 नवंबर को जिलाधिकारी के सामने 97 क्षेत्र पंचायत सदस्यों में से 67 सदस्यों की परेड कराई थी, जिसके बाद से ही ब्लॉक प्रमुख मनोज सिंह की कुर्सी जाना लगभग तय माना जा रहा था। इसी बीच आज मनोज सिंह ने जिला पंचायत के कार्यालय पहुंचकर अध्यक्ष मीरा यादव को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफा देने के बाद मनोज सिंह ने आरोप लगाया कि माफियाओं की धमकी से भयभीत होकर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। आजमगढ़ के मार्टिनगंज ब्लॉक से मनोज सिंह है, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि माफियों की धमकी से भयभीत होकर उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। माफियाओं के दबाव में इस्तीफा दिया, माफिया मुझे काम नहीं करने दे रहे थे, मेरे विरुद्ध रोज कोई ना कोई साजिश रच रहे थे, मुझे ब्लॉक में घूमने नहीं दे रहे थे और क्षेत्र में घूमने नहीं दे रहे थे और मेरे विरुद्ध हर थानों में फर्जी मुकदमा दर्ज करा रहे थे, जिसके चलते मैंने इस्तीफा दिया, लेकिन साजिश मेरे विरुद्ध रची गई, जिला पंचायत जी को ज्ञापन दे दिया इस्तीफा का। तो आपको बता दें कि माफियों की धमकी से भयभीत होकर मनोज सिंह ने अपना इस्तीफा दे दिया है, अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और जिला पंचायत अध्यक्ष को ये इस्तीफा सौंपा गया है। उनका कहना है कि माफिया उनको अपना काम नहीं करने देते हैं, जिस वजह से उन्होंने अपना इस्तीफा पंचायत अध्यक्ष को सौंप दिया है। तो आपको बता दें यूपी के आजमगढ़ की ये खबर है, जहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया गया मनोज सिंह ने,
क्योंकि उनका मानना है कि माफियों की आए दिन धमकी की वजह से वो अपना काम नहीं कर पाते हैं और उसकी वजह से उन्होंने अपना इस्तीफा देना पड़ा। सिद्धार्थनगर के शिवपति स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ उद्घाटन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डुमरिया गांव सांसद जगदम्बिका पाल मौजूद रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में कपिल वस्तु, विधायक श्याम धनी राही और शैलेंद्र प्रताप सिंह मौजूद रहे। समारोह में छात्र संघ अध्यक्ष राघवेंद्र पांडे ने अपने कॉलेज की समस्याएं सांसद जगदम्बिका पाल को अवगत कराई। हमारे जो छात्र के परिसर की शिक्षा की गुणवत्ता का मोदी जी इसके डेवलपमेंट की चिंता कर रहे हैं। मथुरा में बलदेव महाराज और रेवती मैया का शीतकालीन वस्त्र धारण कराए गए, तो बलदेव स्थित बलदाऊ मंदिर ताऊजी महाराज और देवती मैया के जयकारों से गुंजायमान हो उठा। श्रद्धालु ब्रज के राजा बलदाऊ की एक झलक पाने को व्याकुल हो उठे। अगहम पूर्णिमा पर शीतकालीन वस्त्र धारण कराने के साथ ही दाऊ महाराज फटोत्सव और पूर्णिमा मेला का शुभारंभ हुआ। दाऊ महाराज की मखमल की रजाई में रेशम का उपयोग करते हुए फूल, पत्ती, बेल और पक्षी आदि की जड़ाई की गई। बलदेव ब्रज के राजा ठाकुर दाऊजी महाराज का 438वां फटोत्सव धूमधाम से मनाया गया। ब्रज के राजा ठाकुर श्री दाऊजी महाराज का 438वां फटोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया और इस अवसर पर मंदिर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। ठाकुर जी की चरण पादुका का पूजन हुआ और इसके साथ ही बलदेव का विगत एक माह तक चलने वाला अगला प्रसिद्ध अघैन पूर्णिमा लक्ष्मी मेला का शुभारंभ भी आज माननीय ऊर्जा मंत्री जी के प्रतिनिधि सूर्यकांत शर्मा जी और क्षेत्रीय विधायक पूरन प्रकाश जी द्वारा किया गया। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर अब जमीनी इलाकों पर भी देखने को मिल रहा है, जहां तेज हवाओं से लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। वहीं कोहरे की चादर से मुरादाबाद में विजिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर हो गई। सरकारी स्कूलों का हाल तो बंद से बदतर है। शिक्षक और छात्र लकड़ी जलाकर पढ़ने को मजबूर है। यूपी के जिला मुरादाबाद के जनपद थाना मुंडापाड़े क्षेत्र के रोड हाईवे की अगर बात करें तो सुबह के वक्त यहां पर तेज कोहरे के चलते कुछ देरी पर भी नहीं दिखाई दे रहा है, जिससे ठंड के कहर से लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लोगों ने जगह जगह लकड़ी के गट्टर हो या इकट्ठा कर आग लगाकर हाथ सेकते हुए दिखाई दे रहे हैं। मथुरा के राया नगर पंचायत की जमीन पर बरसों से चल रहा अतिक्रमण को नगर पंचायत राया ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए जेसीबी से अतिक्रमण को हटवाया है। इस मौके पर एसडीएम और नगर पंचायत के अधिकारी पुलिस प्रशासन के साथ मौजूद रहे। अधिशासी अधिकारी अखिलेश कुमार ने बताया कि सरकार की एंटी भू माफिया के तहत ये कार्रवाई की गई है। गोरखपुर महानगर में स्थित आर्यन हॉस्पिटल का मालिक तथा कथित प्रेमिका से पत्नी बनी हत्या के आरोपी डॉक्टर डीपी सिंह को तबियत खराब होने के बाद प्रशासन ने जिला चिकित्सालय गोरखपुर में भर्ती करा दिया है। आपको बता दें कि प्रेमिका की हत्या करने के मामले में कल यूपी एसटीएफ ने डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया था। डॉक्टर की तबियत को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। प्रशासन ने डॉक्टर की सुरक्षा के लिए पुलिस बल भी तैनात किया है। एक तरफ जहां केंद्र प्रदेश सरकार सभी गांव को ओडीएफ घोषित करने के लिए दिन रात किए हुए है, वहीं आजमगढ़ जिले में कई सरकारी विद्यालय ऐसे हैं जिनमें शौचालय ही नहीं है। आजमगढ़ में शिक्षा के इस मंदिर में जिस तरह स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और अधिकारी अपने आप में मस्त हैं। एक विद्यालय में तो स्थिति ऐसी है जहां विद्यालय के किचन को शौचालय के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इतना ही नहीं, शिक्षा के इस मंदिर में जहां बच्चे पढ़ने आते हैं, क्लासरूम के पास आए दिन बियर और शराब की बोतल मिलती है। ऐसे गंदगी भरे माहौल में क्या देश के भविष्य बेहतर शिक्षा की कल्पना कर सकते हैं। पूरे मामले पर जिलाधिकारी आजमगढ़ का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है, जल्द ही शौचालय बनवा दिया जाएगा। हम लोग शौचालय के लिए बगल में एक स्कूल है करतालपुर प्राथमिक विद्यालय, उसमें जाते हैं। मैम हम लोग को बाहर नहीं जाने देती हैं क्योंकि बहुत सी घटनाएं हो रही हैं, इसलिए
शौचालय न होने से दिक्कत तुम लोगों को होती है? सर बहुत होती है सर, बाहर जाने में बहुत शर्म आती है और ये बहुत लज्जा लगती है, इसलिए हम लोग उसमें जाते हैं, टूटा हुआ है तभी भी। आगरा में हाल में हुए दलित छात्रा की पेट्रोल डालकर हत्या मामले ने सुल्तानपुर में तूल पकड़ लिया है, जहां राष्ट्रीय अंबेडकर भारत सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय प्रताप कोरी के साथ सैकड़ों लोगों ने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लाने की मांग की और महामहिम राज्यपाल महोदय की जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान करने, परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और परिवार के 1 सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। इसके अलावा हत्यारों को फांसी की भी मांग की गई। संजली जाटव जी का 18 तारीख को दो लोगों द्वारा पेट्रोल जला के छात्रा को हत्या हो गई, जो 15 साल की थी, कक्षा 10 में पढ़ रही थी। उसी मामले को लेकर राष्ट्रीय अंबेडकर सेना पूरे भारत में आंदोलन करेगी। आज हम लोग मांग कर रहे हैं उनको, उनके परिवार को सुरक्षा और 1 करोड़ रुपए और 1 लोग को सरकारी नौकरी और तत्काल उन लोगों को जो गिरफ्तारी और उनको तत्काल फांसी सरकार के द्वारा दिया जाए। कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, एकदम 0%। अभी तक किसी गिरफ्तारी नहीं हुई। तत्काल उसके छोटे चचेरे भाई की हत्या भी हो गई, उसने जो है आत्महत्या कर ली, क्योंकि पुलिस के द्वारा इतना टार्चर किया गया पकड़ करके, दलितों को ही फंसाने के लिए पुलिस लगी हुई है उस मामले में, दलित को ही फंसाने का प्रयास कर रही पुलिस। उसका भाई आत्महत्या कर लिया, उसके भाई को पुलिस के द्वारा इतना मारा गया। इस सरकार के द्वारा बहुत दलित उत्पीड़न हो रहा, छात्र छात्राओं का, महिला पुरुष सभी का, इसको तत्काल रोका जाए। हम लोग इसका घोर निंदनीय कर रहे हैं, अगर इसको तत्काल नहीं रोका गया, हम लोग पूरे भारत में 2 अप्रैल की तरह एक जन आंदोलन है, सैकड़ों लोग जान कुर्बान कर देंगे मगर अपने समाज को न्याय दिलाने का काम करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।